बम है लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें एंड कमेंट करें और ये करते रहें ठीक है बाय द वे वी शुड टेल यू कि वी आर शूटिंग राइट बिफोर द मैच हमने कहा कि हम पहले ख़त्म कर देते हैं और आप लोग uh, अगर मैच से बीच में मिड वे बेजार हो जाए तो यू कैन ऑलवेज़ कम बैक टू आर एपिसोड एंड हैव अ बेटर डे वी ट्राई डेट अ बेटर डे एनी स्टार्ट हम करते हैं आई थिंक वी आर बिट लेट टू दिस बट नाउ वी आर गोइंग टू कवर इट और वो था कि डॉन का जो इंटरव्यू वाला मामला था सर ये सदाकत अब्बासी का एंड फर्स्ट इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू गो ऑन एयर वेद बट इवेंचुली इट वॉज मुझे बड़ी मज़ेदार उनकी ट्वीट लगी थी जरार की कि वी ट्राई डर बेस्ट अब अगर आपने गालियाँ देनी है तो दे दें बंदे को ऐसे होना चाहिए होल हार्टिडली उन्होंने कहा था कि अब आपको गुस्सा चढ़ा हुआ आप हमें ट्रोल करना चाहते हैं तो आप कर लें लेकिन ये went with इंटरव्यू एन एवरी थिंग नहीं मेरा तो ये तो बड़ा तेज़ खेल है इन्होंने तो जो चेस होती है ना उसमें इस्टब्लिशमेंट को हराया है कोई पूरी तरह से और यही तो अब बहुत बड़ा मसला हो गया है सो मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो भी करती है अब सियासतदानों से लेकर टीवी टी वी चैनल्स तक उनको डिवीट कर देते हैं mm. सो बात यह है कि अगर ये ना चलाते मुझे नहीं पता इन पर कितना प्रेशर था लेकिन अगर ये चलाते ही ना तो भी इतनी कोई बल्ले बल्ले नहीं होनी थी इनकी आ, उन को कोई इतना क्रिटिसिज्म नहीं करना पड़ना था यहाँ ये बात भी सामने नहीं आनी थी कि ओहो हो मुल्क के हालात कितने ख़राब हैं वो तो होना था कि जी वो पीछे से प्रेशर आया इन्होंने ना कर दी वो बात ख़त्म हो गई इसको तो इतने तो हालात ख़राब है ही नहीं ये जो पूरी एक एक्सरसाइज़ की गई कि जी सात दिन रोक के रखना है उसके बाद चलाना है और फिर सारे जो उसके एंकर्स और ये वो हैं उन्होंने आके अपने माथे पीटने हैं कि ये तो आपको पता है एक तो कमाल क्या हुआ है एक तो वैसे ही देखें कोई एक आम इंडिविजुअल है उस पर तो जाहिर है प्रेशर कम होगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ों का और मुझे नहीं समझ आती कि वैसे भी क्रिटिसिज्म जो है इतना उसके क्या मकसद है आप क्या चाहते हैं कि अगले अपना कारोबार बंद करें और घर चले रह जाएँ लोगों को नौकरियों से निकाल दें मतलब एक जगह जहाँ पर आप काम करते हो और आपको पता है कि उस मुल्क के फ़लाने फ़लाने मसाइल हैं और आपने उनको डील करना है तो मतलब बाहर हाल आपने कारोबार चलने आना है बहर हाल आपने इतने लोगों की तनख्वाहें निकालनी हैं सो एक तो इतना कोई क्रिटिसिज्म वैसे भी बनता नहीं था लेकिन बाहर हाल ये तो जिस तरह से देव प्लेड एक तो मतलब शहीदों में नाम भी लिखवा लिया फड्डा भी नहीं होने दिया काम भी चल गया और काम इस तरह से किया है कि अब आइंदा ना किसी ने आके इनको काम कहना ही नहीं कि भाई तुम रहो को नहीं कराना और ये जिसका भी आइडिया था ना डॉन के पास इस तरह लेके जाने वाला अब उस बेचारे को डांटे पड़ रही होंगे ऊपर से हाँ लेकिन चलो उन्होंने ट्राई तो किया पर जरा की वो बात मुझे बड़ी मजे की लगी थी कि रहे थे ओपिनियन की जी दे दें गालियां और पहले भी गालियाँ पड़ रही थी गालियां पड़ गई इट्स फाइन को तो आदत पड़ गई हुई है नहीं नहीं मतलब बस्ता फिर वो ये वो गाली इनको नहीं पड़ी मतलब अपेरेंटली पेरेंट की मैं बात कर रही हूँ अच्छा सो so, वैसे मैंने इंटरव्यू नहीं सुना था अब मेरी टाइम लाइन पे देर वॉज होल एस कॉन्वर्सेशन अराउंड तो बस वहीं से मुझे थोड़ा बहुत पता चला था कि अच्छा ये पे फटा पड़ा हुआ है अच्छा सो कम से शायद खाकानबासी का शा, शायद खाकानबासी का आजकल बहुत स्टेटमेंट्स दे रहे हैं Uh, वो ये भी कह रहे हैं कि जी मैं तो इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लूँगा फिर वो लंदन भी गए थे मियाँ साहब से मिलने के लिए फिर वो पता नहीं किसके साथ डिनर करके आ गए वो भी मुझे समझ नहीं आई लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जी uh, उनके जो कायद हैं उनके लीडर जो हैं वो नवाज शरीफ हैं एंड टेक्स द चार्ज दैन नवाज शरीफ विल हैव टू गिव अस सेफ यू नो रिस्पेक्टेबल एग्जिट एंड ऑल ऑफ दैट तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ कोई ऑफिशियली कोई चार्ज किसी और के हवाले करने वाले हैं असल में करने वाले हैं या नहीं करने वाले इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरी नज़र में तो ये शाहिद खकान का अब्बासी साहब जो है ना देखें ये नवाज शरीफ के एहसानों तले दबे में है ठीक है मतलब क्या है शाहिद खकान का अब्बासी शाहिद खकान का अब्बासी के नीचे कितने हल्के हैं कितनी एम एन एम पी ए इनके आशीर्वाद से इलेक्शन जीतते हैं कुछ भी नहीं है इनकी एक अपनी सीट ही है ना तो वो तो दो सौ बहत्तर लोगों की है पार्लियामेंट में इन्हीं को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया नवाज शरीफ ने ठीक है मेहरबानी की ना मतलब करके उन्होंने कहा तू बन जा ठीक है सो प्रॉब्लम ये है कि इसी तरह की मतलब इसी वजह से लोग कहते हैं कि जी फैमिली के अंदर ही रखना चाहिए क्योंकि जब आप फैमिली के बाहर करते हो फिर अगला बंदा लीडर बन जाता है ठीक है लेकिन हैविंग सेट दिस प्रॉब्लम ये है कि शायद शाहकानाबाजी को भी पता है कि और ऑप्शन ही कोई नहीं है मतलब वो क्या करें वो कहाँ जाएँ मतलब री इमेजिनिंग री थिंकिंग वो कर सकते हैं लेकिन Where did it go though? उससे पता नहीं वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इमरान ख़ान के पास जा नहीं सकते पीछे रह जाता है ये अच्छा तो इसीलिए वो पार्टी छोड़ भी नहीं रहे कितनी दफ़ा बात हुई है कि पार्टी छोड़ रहे हैं पार्टी छोड़ रहे हैं पार्टी छोड़ रहे हैं पार्टी छोड़ते भी नहीं है लेकिन साथ साथ वो ये बातें भी करते हैं उसकी वजह और ये भी बिल्कुल जस्टिफाइड है ये बिल्कुल जस्टिफाइड इसलिए क्योंकि अकेले थोड़ी हैं ख्वाजा आसिफ तक ने नवाज़ शरीफ को जुकते मारने शुरू कर दिए हैं साद रफीक कहते हैं मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा सो मसला ये है कि बाहर हाल एक जो सियासतदान है जिसने अपनी कॉन्स्टिटेंसी में जाना है जिसको लोग रोज़ मिलते हैं जब उसको ये अंदाज़ा है कि मियाँ हुन ओ ब्रैंड नहीं रहा सो उसने जो है जाहिर है अपने लोगों को तो बताने ना कि जी हमारे अख्तलाफ हैं और मैं सोच रहा हूँ और चीज़ें और मैं सारे मैंने अंडे इधर नहीं डाले हुए आई होप के वैसे आई डोंट नो आई मीन इज इंट ही लाइक अ रिच मैन एनी शायद का से तो बस अपनी जिंदगी आराम से गुजारे हैं क्यों है इन जमेलों में पड़े हैं या बस नशा लग जाता है नहीं रिच तो, तो सारी पॉलिटिशियन तो, होते हैं मतलब आप तो, तो रिच मतलब ना बस तो पॉलिटिक्स में कैसे ना? आ इजी रहे फिर क्या हो गया खैर इजी uh, तो हैं वो तो चिलिंग कर रहे हैं मतलब उनको क्या मसला मतलब ही डस लाइमलाइट व्हिच आई थिंक इन लोगों को आदत पड़ गई होती है बाय गिविंग आउट दीस स्टेटमेंट्स मतलब जाहिर है उसकी कॉन्सिक्वेंसी है उसने अपने लोगों को तो इंगेज रखना ही है ना मतलब वो आज इलेक्शन ना भी लड़े इस्तीफा वाला उसके नीचे दस लाख बंदा अच्छा जी मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस को जो है सालगिरह मुबारक हो दो दिन पहले सालगिरह थी हम आज मना रहे हैं कोई बात नहीं वो ये है कि चा इनका बाय द वे एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव यूज्ड दिस सर्विस और नॉट लेकिन मुझे ये नज़र बहुत आती थी तो इनका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम हैज़ बीन फोर मिनट्स ठीक है और सत्रह लाख एमरजेंसीज़ में बर वक्त और पेशा वराना मदद की और तंग गलियों के अंदर और दूर अजिला वगैरह जो है वहाँ पर ये पहुँचते रहे हैं सो वेल डन फैंटास्टिक Uh, जबरदस्त हाँ गुड जॉब लाइक कहीं भी एक्सीडेंट हुआ पहुंचते आप लोग जल्दी हो मुझे तो खैर कभी वन वन टू टू एम्बुलेंस से भी मसा नहीं कि जब आप Uh, जब मैंने एक दफ़ा बुलाया था तो उनका एक बंदा सिर्फ ड्राइवर था और मैंने उनसे कहा था कि भाई तुमने ये पेशेंट यहाँ से उठाना है कोई दूसरा बंदा लेकर आओ फिर मुझे मोहल्ले से लाना पड़ा क्योंकि वो बंदा एक ही भेजने के लिए उस पर थे एंड सेकेंडली वंस डे आपके वो जो स्ट्रेचर uh, होता है उसको ले के जब अंदर गए तो पता ये चला अंदर बेल्टें नहीं थी और वो जितनी दफ़ा ब्रेक मारे थे बेड कभी इधर लग रहा था कभी उधर लग रहा था दैट इज़ माई ओनली प्रॉब्लम विद दैम कि आई होप कम अपलूशन फिक्स इट कि पेशेंट ना झटके खा खा के वैसे ही फौत हो जाएगा जो वो अंदर नज़ाम था बट तो मानना पड़ेगा अच्छा सौ so, चार साल बाद भी फ़नी तालीम को निब का हिस्सा ना बनाया जा सका ग्यारह सौ स्कूलों को एक अरब के आलात फरामी के बावजूद मनसूबा ठप है so, ना ये बड़ा जरूरी है मतलब वही बात है कि जो रेगुलर स्कूलिंग वगैरह है वो फौरी तौर पे रोज़गार नहीं दे सकता ये दे सकता है मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर स्कूलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है वो वैसे तो इंसान के लिए वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वो चीज़ है जो फौरी तौर पर नौकरी जिसकी वजह से आपको मिल सकती है और वही बात है ये नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा लोगों को चाहिए रोज़गार चाहिए मतलब हम अक्सर वो बात करते हैं हेल्थ केयर में जो लोग होते हैं उनकी कि पूरी दुनिया में कितनी ज़रूरत है और पाकिस्तान कितने प्रोड्यूस कर सकता है और पाकिस्तान नहीं करता और पाकिस्तान से अपने पूरे नहीं होते आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप हेल्थ केयर के शोबे से मतलब सरकारी आप मुलाज़िम हैं हेल्थ केयर के शोबे में तो आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए या पासपोर्ट रीन्यू करवाने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री से परमिशन चाहिए आप चाहे जितने मर्जी जिस मर्जी स्केल पे हो जितने मर्जी लोअर स्केल पे भी हो आपको चाहिए उसकी वजह ये है कि सरकार अफोर्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि उनकी बाहर डिमांड है वो जा सकते हैं वो चले जाएंगे वो सैर करने जाएंगे और वापस नहीं आएंगे यहाँ तक तो अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हो तो आई एम सो ग्लैड माई ब्रदर लेफ्ट वो बहुत पहले तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से अच्छा जी धुआँ छोड़ने वाली गाड़ियों का शहर में दाखिला बंद फैक्ट्रियाँ सील होंगी आई आई थिंक इट्स आई फील लाइक अ ऑफ वो कि हर साल मैं यही चीज़ें पढ़ रही होती हूँ और हर साल द स्मोक एक्चुअली गेट्स आउट ऑफ हैंड किस हद तक इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी और नहीं होगी ये तो अब वक्त ही बताएगा जी से हाँ मतलब दे आर फ्यू थिंग्स यू जिसका रेपिटेटिव हो जाता है कि अच्छा जी कि अब ये मसला है तो वो मसला है but anyway so we are keep keeping it short there is a recommendation from my side if you guys want to watch if you are into science fiction uh, foundation the second season whenever we complete kia he it is a uh, first season thoda sa aapko burn out But in second has picked up and it was probably one of the best science fiction shows after the expense series agarabnikat apko the it's okay a synopsis uska just to have the idea what's going hone because it gets very complicated if you don't have the आइडिया की किताब कैसी थी तो वो ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास वक्त है अब मैंने ओ माई गॉड टू देख ली फाइनली और उसका फर्स्ट हाफ़ तो इतना एंटरटेनिंग नहीं है लेकिन सेकेंड हाफ़ एंटरटेनिंग है सो वो आप देख लें और आखिर में जाते जाते सलमान बेग साहब हमारे पेटर्न होते थे वो छोड़ के चले गए अब हमारे तरले मारने पे वो वापस आ गए और उन्होंने बताया कि मैं छोड़ के इसलिए गया कि उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी गाने की जो कि मैंने नहीं गाया सो so, वो यकीनन मैं भूल के आऊँगा या मैंने नहीं पढ़ा होगा वरना कैसे हो सकता है कि वो मैंने जैसे ही बर्थडे या कुछ भी आता है ना तो ये मैसेज कर देता है ग्रुप के अंदर कि जी ये याद मुझे करा देना इनके से आई डोंट रिमेम्बर हाँ सो so, ये त, गाना बेसिकली नुसरत फतेह खान की कवाली और उसका मेरा वर्जन जो था जो मैंने उसका कवर किया था वो वो चाह रहे हैं कि फसले गुल है शराब पी 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 लीजे, पी लीजे, पी पीलीजे पीली ना कीजे, जनाब पी पी लीजे, पी लीजे, पी लीजे पी लीजे पी लीजे आगे चल कर हिसाब हो ना है आगे चल कर हिसाब हो है इसलिए पे हिसाब पी लीजे पी लीजिए पीलीजे 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 पी जे पीली so, जे सो बहुत ज़्यादा गुड लक दोनों टीम्स को जो आज खेल रही हैं और दे दे। जो भी जीते हारे मुझे कोई एसएमएस करके बता देना नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल ऑल सो यू कैन गो बैक टू द एपिसोड विच वीट ऑन थर्सडे जिसमें हमने आपसे कुछ पॉइंटर्स कहे थे जो अपने दिमाग में आपने रखने हैं यू कैन गो एंड वॉच द फर्स्ट हाफ उसके अंदर काफ़ी वो डिस्कशन थी कि किस माइंड सेट से आपने मैच देखना है सो दैट इट डजेंट बिकम अनबेरेबल फॉर यू एज वेल ठीक है जी और इन्जॉय कीजिएगा एंड विल सी यू ऑन मंडे इनशाला बाई